सभी को नमस्कार। मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी का कुकिंग विद स्वाति सिंह में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने मेरे पहले भी वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक करी बनाई है एकदम नॉर्मल स्टाइल में, लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ उसे मैं चंपारण स्टाइल में बना रही हूँ। आपने चंपारण मटन सुना होगा, चंपारण चिकन सुना होगा, तो आज मैं चंपारण एक करी बना रही हूँ, वो भी हांडी में चूल्हे के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे को हम जला देते हैं और सारा काम हम हांडी में कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले एग को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो हमने 20 एग लिए हैं और इसमें हम 1 लीटर पानी डालकर चूल्हे में चढ़ा देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ढककर पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हुए हैं और एग अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसके जो छिलके हैं उसे हटा देंगे। फिर से हांडी को जो चूल्हे के ऊपर रख देंगे और गर्म होने के बाद इसमें हम तेल डालेंगे और ये जो अंडे हैं उनको छीलकर हमने इनमें चारों ओर कट लगा दिया है। तो हांडी अच्छी गर्म हो गई है, तो इसमें हम आधी कटोरी तेल डाल रहे हैं। तेल गर्म हो गया तो इसमें हम अंडे डाल रहे हैं। इन्हें हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। इसे चारों तरफ से घुमा घुमा के फ्राई करेंगे जिससे कि चारों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये हल्का सा ब्राउन हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और बाकी अंडों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे अंडे फ्राई हो गए हैं तो बस अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसालों में लिया है 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 4 बड़ी इलायची, 1 जावित्री, 2 टुकड़े दालचीनी, 1/4 जायफल, 10 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता और 5 खड़ी लाल मिर्च। इन सबको हम ऐसे ही पीस लेंगे। तो ये जो एक करी है ना, इसका स्वाद एक तो हांडी से और दूसरा खड़े मसालों की वजह से ज़बरदस्त आता है। सूखा मसाला हो गया है तो अब हम प्याज अदरक और लहसुन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 प्याज और ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन और अदरक लिया है। अदरक और लहसुन को हम मिक्सी में पीसेंगे और जो प्याज है ना उसे चॉप करेंगे। तो ये रहा चॉप्ड प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे खड़े मसालों का पाउडर, थोड़े से खड़े मसाले अलग से मैंने लिए हैं और ये 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक, साथ ही थोड़ा सा गुथा हुआ आटा जिसको हम हांडी को बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। अंडे को मैरिनेट करने के लिए एक बड़ा सा हमने डोंगा लिया है जिसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं प्याज, फिर एग, इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर सारे खड़े मसाले का पाउडर, हल्दी, नमक और जो फ्राई करने के बाद तेल बचा था ना उसे भी हम इसी में डाल देंगे। और फिर हम अलग से तेल नहीं डालेंगे, जितना भी तेल है ना उतना ही डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम वापस से मटके में डाल देंगे और बीच में हम एक लहसुन की गांठ को हल्का सा दबा करके ना बीच में रख देंगे। और इसके ढक्कन में हम जो गुथा हुआ आटा है ना उसको इस तरह से लपेट करके ढक देंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। मैंने चूल्हे की आँच को एकदम धीमी कर दी है जिससे कि प्याज और मसाले धीमी आँच में अच्छे से पक जाएं। धीमी आँच में पकेंगे ना तो मसालों का जो स्वाद है बहुत अच्छा आएगा। 45 मिनट हो चुके हैं तो इसे अब हम खोल देते हैं। खोलते ही इसमें जो महक आई है वो लाजवाब है और इसकी ग्रेवी लुक और टेस्ट में डेफिनेटली बढ़ा रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको ही नहीं बल्कि आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।